बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम टू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग होंगे बेहाल अपने घरों में खुश और आबाद। मैं तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल अभिहा सुरु में। आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ चिकन रोल पराठा की ज़बरदस्ती रेसिपी, जिसकी एक एक चीज़ हम लोग हैं। हम लोग इसमें फ्रोजन पराठे भी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग पराठे भी घर पर बनाएंगे। तो चलें जी, ये जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं आपके साथ मिलकर। चलें जी, सबसे पहले जो है मैं लूँगी चिकन। जो है वो आप देख लें कितने बंदों के लिए आप बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ले लें। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 300 ग्राम्स चिकन, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच भर के दही के, और इसमें मैं ऐड करूँगी साथ ही नमक 1 टीस्पून, उसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स ले जाएंगे 1 टीस्पून, साथ इसमें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला 1 टीस्पून चला जाएगा, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ ही गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून, और इन सब स्पाइसेस को और दही को मैं चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, और इसको हमने करना है मैरिनेट। जितने में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जो आपकी तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होती है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन 1, और उसके बाद इसको मिक्स करके यहाँ पे मैं इसको 30 मिनट्स के लिए कम से कम मैरिनेट कर लूँगी। जब मैरिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं ऑयल ले लूँगी 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैं इसको पका लूँगी हल्का सा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं चिकन को ऐड कर दूँगी, और चिकन को मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पकाऊँगी भूनूँगी, और हमारा जो चिकन है ज़बरदस्त किस्म का जब टेंडर हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। अच्छा सा भूनेंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि जो है साथ से लगे ना। और दूसरी तरफ हम लोग बना लेंगे यहाँ पराठे। तो मैं यहाँ पे जब इसको साथ साथ बना रही हूँ, भून रही हूँ, साथ साथ मैं जो हूँ पेड़े बना रही हूँ तो पराठे के लिए, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं बनाऊँगी। एक आपके सामने मैं शेयर कर दूँगी, बाकी जो है मैं बना रही हूँ साथ साथ, ठीक है, दूसरे चूल्हे पर। तो ये देखें काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है, इसके जो है तरी आ चुकी है, ऑयल बहुत कम यूज़ करें, ठीक है, ताकि जो है एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना निकले। इस तरफ मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने डाला है पुदीना, धनिया और मिर्ची, और यहाँ पे जो है पराठे बना लेती हूँ मैं। तो ये मैं सिंपल रोटी को बेल रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल पेड़े बना ली हैं और बेल रही हूँ, और साथ ही इसको मैं तवे पर डाल के पराठे बना लूँगी। तो शेयर नहीं करिए आपके साथ पूरा प्रोसेस, नॉर्मल जिस तरीके से आप पराठा बनाते हैं, ठीक है, उस तरीके से इसको बना लेंगे दोनों तरफ से पलटते पलटते हुए। जब पक जाएगा तो हम इस पर घी लगा लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। तो एक तरफ से ये तकरीबन पक चुका है, दूसरी तरफ से भी जब पूरा पक जाएगा तो मैं इसको घी लगा लूँगी, ठीक है। तो ये इस तरफ से पक गया, मैं यहाँ पर इसको घी लगाती हूँ, उसको तल लेती हूँ, और ये मैंने जो होता है ना नॉर्मल हमारा घर का आटा वही यूज़ किया है, ठीक है, तो बस वाइट वाला है ये, तो वाइट वाले से ज़रा ये होता है रोल पराठे और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ज़रा अच्छी बनती हैं, ब्लैक वाला जो देसी आटा है उससे ज़रा उस तरह का टेस्ट नहीं आता, तो ये वाइट वाला आटा मैंने लिया है, ठीक है, जो वाइट नॉर्मल आटा आता है। तो ये आपके सामने मैं एक पराठा बना लेती हूँ, तो बाकी मैंने बना के रख लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये पराठा सारे पराठे इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए, और अब हम इसको जैसे पैक करेंगे, ये देखें इस तरीके से मैं कर, और इसके ऊपर रखूँगी एक पराठा। पराठे के ऊपर हम लोगों ने डालनी है चिकन, चिकन लिया है ना, इससे मैंने बनाए हैं तकरीबन 5 पराठे। अब आप देख लीजिए आप कितने घर के उस हिसाब से आप बना लें। तो ये मैंने देखता है इसमें क्वान्टिटी में यूज़ किया है चिकन भर भर के, और बहुत अच्छे इसके 5 पराठे बने हैं। तो इसको मैं पहले साइड पर कर लेती हूँ, इन चटनियाँ तैयार कर लेती हूँ। पहले तो जो मैं चटनी बनाई थी वो रख रही हूँ, डाल रही हूँ 1 चम्मच, और थोड़ा सा उसमें दही ऐड कर लूँगी। देख लीजिएगा कितना आपको दही रिक्वायर्ड है, 2 से 3 टेबल डाल के आप उसको मिक्स कर लें। और ये क्योंकि हमने ये दोनों जो है चटनियाँ, इसमें एक चटनी, दूसरी हम लोग बनाएंगे सॉस, वो हम लोग बनाएंगे मायो सॉस ऐड करूँगी, ठीक है, अंदर 3 टेबल स्पून में मायो इसमें ऐड, साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी जो हमारी हॉट सॉस होती है वो भी 1 स्पून, और यहाँ पे मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर ली है वो भी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लूँगी। ये भी ज़बरदस्त तैयार हो जाती है, जो पराठे में बहुत ही मज़े की यम्मी सी लगे, पिंक सा इसका कलर आता है,
तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो पराठे रोल होते हैं ये यूज़ होती है। अच्छा, सबसे पहले हम ही लोग इसमें ऐड करेंगे चिकन। इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ आ रही कि एक में आप कितनी है, तो आप जितना उस हिसाब से पोर्शन बना लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच एक पराठे में डालें जहाँ पे है, जहाँ पे कर लें, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं आगे की तरफ, क्योंकि हमने नीचे से इसको बेंड करके नीचे से गिरे हैं, ठीक है। और जो आप सब्ज़ियाँ यूज़ करना चाहते हैं कर लें। मैं हूँ बंद गोभी और खीरे, क्योंकि नॉर्मल वो नहीं पसंद करते प्याज, वैसे बहुत मज़ा आता है इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे खीरे में ऐड कर रही हूँ इसी तरीके लम्बे लम्बे काट के, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी जो मैंने बनाई थी, हो गया। आप अपने हिसाब से कर लें, ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा वरना फिर जैसे गिरना शुरू हो जाती है। चटनी आप ऐड कर लें, देखिए अभी तक 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और अब इस तरीके से आप इसको होल्ड कर लें, इस तरीके से घुमा इसको बंद कर लें, ठीक है, टाइटली कर लें ताकि, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप बटर पेपर को इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे से आप इसको बैंड कर लें ताकि बाहर ना निकले, ठीक है, जैसे हम बाज़ार से शॉर्मा वगैरह लेते हैं या रोल पराठे। तो ये इस तरीके से मैंने कर लिए थे सारे के सारे रोल पराठे तैयार, आपके सामने मोड़ कर लेती हूँ तैयार। मैंने बटर पेपर लिया, ये पराठा, इसके ऊपर मैं चिकन ऐड करूँगी, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने यूज़ किए हैं पराठे में। और ये चंक्स जो है ना कि वो छोटे नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, मुँह में आते हुए अच्छे लगते हैं। पराठे में छोटे चंक्स नहीं होते, जो हम पराठा बनाते हैं ना यूँ वाला 2 पेड़ों वाला, उसमें थोड़े छोटे होते हैं, इससे तो पराठा फट जाता है। अच्छा, इसी तरह डाल ली चटनी, डाल ली। मैं थोड़ा स्पाइसी कर रही हूँ इसमें, मैं इसका जो है फ़र्क करूँगी वो इसमें चाट मसाला यूज़ करूँगी। बंदा कोई सब्ज़ी लवर नहीं है, अगर आपको कोई बच्चा सब्ज़ी नहीं पसंद तो फिर सब्ज़ी को स्किप कर दें। और ये यूज़ कर लूँगी, ठीक है, खीरे यूज़ कर दो। और साथ ही जो है चाट मसाला ऐड कर लूँगी, जो लोग चाट मसाला यूज़ पसंद मसाला बेशक डलवा लें अपने में इस तरीके से और बना लें। और ये थोड़ी सी मैं इसमें फ्राइज ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके सेम उसी तरीके से मैं इसको बंद कर लूँगी, ये देखिए तरीके से। और नीचे से देखिए मैंने इसलिए जगह रखी है ताकि कोई चिकन का पीस वगैरह निकल ना सके, उसको मैं नीचे से बंद कर लूँगी। और ये सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने सारे रोल पराठे बना लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक दें किस तरह के बने आपके ये रोल पराठे। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।